नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। एंगल बाइसेक्टर्स यानी कोण सम विभाजक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं। तो ये वीडियो ज्योमेट्री पर पार्ट 8 है, इसके पहले 7 वीडियो बन चुके हैं और 7 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जरूर देखिए ताकि आपको ज्योमेट्री पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर यानी सम द्विभाजक क्या है। है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी आंतरिक कोण समद्विभाजक। ये कैसे देखते हैं, देखिए कोई भी एक त्रिभुज आप बना लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज आप बना लीजिए, इसका नाम हमने दे दिया एबीसी। अब ये इंटरनल क्या होता है, देखिए ये जो कोण है ये आंतरिक कोण है यानी इंटरनल एंगल्स है, तो इनके एंगल्स के बाइसेक्टर्स यानी कोण अर्ध खींचे जाएंगे जो कोणों को दो बराबर भाग में बांटता है। तो मान लीजिए कि बी से हमने एक ये कोण अर्धक खींच दिया जो ये दो बराबर भाग में बी को बांटता है और कोण सी को भी बांटता है एक दूसरा, और ये दोनों यहाँ ओ पर मिलते हैं। तो ये वाला जो कोण है कोण बी ओ सी, इसके बारे में बात करनी है, इसी को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो ओ बी और ओ सी क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक हैं। ओ बी और ओ सी, तो कोण बी ओ सी होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 के, यानी ये जो कोण होता है यह कोण 90 डिग्री और कोण ए दोनों को जोड़ करके मिलता है, कोण ए का आधा। अब ये कैसे आता है, इस चीज को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। वो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसको थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों बराबर हैं तो ये थीटा थीटा मान लिया, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये कोण सम विभाजक है यानी दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी थीटा प्लस अल्फा प्लस कोण बी ओ सी ये बराबर होगा 180 डिग्री के, या यहां से कह सकते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा के। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ये पूरा कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, इन दोनों का योग प्लस कोण ए का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखिए दो कॉमन ले लीजिए तो ये थीटा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए के, तो थीटा प्लस अल्फा यहां से क्या आ गया 90 डिग्री माइनस कोण ए अपान 2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको आपने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखिए यहां से थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 2 में वो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 की थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर, देखिए 180 पहले से है और इसमें माइनस ये पूरा रखना है 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2,
ये थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पर थीटा प्लस जो अल्फा है उसी की वैल्यू यहाँ से समीकरण नंबर दो से रख दिया। तो देखिए ये 180 डिग्री माइनस 90 प्लस कोण ए बाई टू आ गया, और 180 में से 90 निकलेगा तो 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई टू यही कोण बी ओ सी की वैल्यू है और इसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो ये कैसे आता है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर एक है कि एक त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तदनुसार यदि कोण बीएसी बराबर 80 डिग्री हो तो कोण बीओसी का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, इस त्रिभुज में कोण बी के जो आंतरिक द्विभाजक हैं, यानी बी और सी के आंतरिक द्विभाजक ये देखिए बन गया और ये ओ पर मिलते हैं, तो ये कोण आपको बताना है कोण बी और सी कितना होगा। और कोण ए की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 80 डिग्री, इसकी वैल्यू 80 डिग्री दिया था। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि कोण बी ओ सी जो होता है वो 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई टू होता है, तो 90 डिग्री और ए की वैल्यू 80 है तो 80 बटा दो और ये देखिए 40 हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री और ये हो जाएगा 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री का कोण बनता है। कहाँ ये चीज जो आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आ गया 130 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देख लीजिए बहुत आसानी से, बहुत आसान है, आप इसको ओरली कर सकते हैं, पहली बार है इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से और चित्र से समझा दे रहा हूं कि कभी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए आंतरिक समद्विभाजक में अब हम लोग आंतरिक समद्विभाजक पर ये क्वेश्चन हो गया, बाह्य समद्विभाजक पर देखते हैं कि उसका क्या होता है। तो आइए बाह्य सम, तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यानी बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है। देखिए आप इसके लिए क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये बी का बाह्य कोण है और ये सी का बाह्य कोण है। अब इनके एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींचने हैं, इन बाह्य कोणों का, बाह्य कोणों का एंगल बाइसेक्टर का मतलब इसको दो भाग में बांटता हुआ एक रेखा, एक लाइन जो इस कोण को दो पार्ट में, दो भाग में बराबर बांट दे। ये जो कोण है कोण बी ओ सी, यही इन दोनों बाह्य समद्विभाजकों के बीच बना हुआ कोण है। और ये कितने किसके बराबर होता है, यहाँ भी ओ बी और ओ सी कोण बी और कोण सी के बाह्य समद्विभाजक हैं, ओ बी तथा ओ सी क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक है। बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो कोण बी ओ सी बराबर, ये बी ओ सी होगा 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई टू होता है, ये चीज होता है। अब इसे प्रूफ भी हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको थीटा मान ले तो ये भी थीटा होगा, इसको अल्फा मान ले तो ये भी अल्फा होगा, अब ये पूरा टू थीटा हो गया, ये देखिए तो ये कितना होगा 180 में से टू थीटा निकाल दीजिए। इसी तरह से ये वाला जो अंदर वाला कोण है ये 180 में डिग्री में से टू अल्फा निकल जाएगा, तो ये जो कोण है कोण बी ओ सी में, देखिए बी ओ सी में क्या आएगा थीटा प्लस अल्फा, तो कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये समीकरण नंबर एक मान लीजिए। देखिए बी ओ सी त्रिभुज में थीटा प्लस अल्फा को 180 में से घटा देंगे तो कोण बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए ये जो तीनों कोण है इनका योग 180 के बराबर होता है त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री से ये वाला 180 डिग्री कट गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 अल्फा है, माइनस 2 थीटा, यहाँ पर माइनस 2 थीटा है और माइनस 2 अल्फा है, तो इनको एक साथ रख लीजिए। तो इनको आप देखिए ये माइनस 2 थीटा माइनस 2 अल्फा को अगर आप इस साइड ले आए बराबर के उस साइड लाए तो 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस कोण ए। तो थीटा प्लस अल्फा हो गया यहां से 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। अब ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहां से अल्फा थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 में थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू रख दी है तो BOC बराबर देखिए 180 डिग्री है माइनस ये हो गया 90 डिग्री प्लस कोण A बाई 2। तो यहां से देखिए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कोण A बाई 2 और ये हो गया 90 डिग्री माइनस कोण A बाई 2। तो ये प्रूफ भी हो गया कि BOC की वैल्यू जो है 90 डिग्री माइनस कोण A बाई 2 के बराबर होती है, यानी ये जो कोण होता है ये 90 में से और कोण A का आधा के बराबर होता है। आइए इस पर बेसिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर। देखिए ये अब हम लोग बात करेंगे कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है उन दोनों के बीच कोण जो बनेगा उसके बीच कोण ए का क्या संबंध होगा। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि बाह्य कोण समद्विभाजक थे उनके बीच जो कोण बन रहा था उसका और ए से क्या रिलेशन था, आंतरिक जो कोण समद्विभाजक थे उनके बीच जो कोण बन रहा था उनका ए से क्या रिलेशन था। अब इसी तरह से बाह्य और आंतरिक दोनों को मिला करके जो कोण बन रहा है उसकी बात करेंगे इस त्रिभुज में। तो देखिए ये एक त्रिभुज आप बना लीजिए ABC, ये त्रिभुज हो गया और ये DA। अब यहां पर देखिए कोण B का ये आंतरिक रहेगा और कोण C का बाह्य रहेगा। कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक ये रेखा आएगी और कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक ये, और दोनों जाकर E पर मिल रहे हैं और यही कोण आपको बताना है कि कोण ई में और कोण ए में क्या रिलेशन है ये बताना। तो देखिए अगर ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है बी, तो अगर ये थीटा है इतना तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहां पर देखिए अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी बराबर है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए त्रिभुज ये जो कोण ए सी डी है यानी यहां से पूरा यहां इतना कोण इसको बहिष्कोण बोलते हैं यानी बाह्य कोण बोलते हैं, और ये जो बहिष्कोण होता है कोण ए और ये पूरा जो कोण बी है इसके बराबर होता है, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होता है। तो यहां पर 2 अल्फा बराबर होता है 2 थीटा प्लस कोण ए के, ये बराबर होता है। ये पहला समीकरण हम लोग मान लेंगे। अब देखिए त्रिभुज बीईसी की बात करते हैं। त्रिभुज बीईसी में देखिए इतना कोण ये थीटा है, हमको यहां से ये कोण पता करना है। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री है, उसमें से अल्फा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा और प्लस ई, तो ये कोण थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस कोण ई ये बराबर होता है 180 डिग्री के, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कट गया, यहां से थीटा माइनस अल्फा प्लस कोण ई ये बराबर हो गया 0। अब यहां पर देखिए 2 अल्फा है तो हम यहां से अल्फा को उस साइड ले जाते हैं
तो अल्फा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस कोण ई के। अब इसमें दो से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो टू अल्फा बराबर टू थीटा प्लस कोण टू ई, और इसको समीकरण नंबर दो कहते हैं। अब देखिए टू अल्फा का मान यहां से यहां पर रख देते हैं, समीकरण नंबर दो से टू अल्फा का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखिए क्या करना है, यहां से टू अल्फा का मान यहां रख देना है, तो टू अल्फा का मान रखेंगे यहां से तो टू थीटा प्लस टू ई, ये तो टू अल्फा का मान हो गया, इधर टू थीटा प्लस कोण ए हो गया। अब देखिए टू थीटा कट गया तो टू ई बराबर हो गया कोण ए, तो कोण ई बराबर हो गया, यहां पर देखिए कोण ई लिखना है, कोण ई बराबर हो गया कोण ए बाई टू। तो यहां से एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है कि ये जो कोण ई है वो कोण ए का आधा होती है, यानी अगर ये कोण फाई है, अगर ये कोण टू फाई है या टू एक्स है तो ये कोण एक्स के बराबर होगा, यानी कोण ए का आधा कोण ई होता है, यानी बाह्य कोण समद्विभाजक और आंतरिक समद्विभाजकों के बीच जो कोण बनता है वो कोण ए का आधा होता है। आइए इस पर बेस भी क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीन में दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण बी का और बाह्य कोण सी के अर्धक बिंदु डी पर मिलते हैं या कटते हैं, तो कोण बीडीसी की वैल्यू दिया है 50 डिग्री, तो कोण ए का मान क्या करना है। देखिए चित्र से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये एक त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी है, कोण बी का कोण अर्धक और कोण सी का बाह्य कोण अर्धक, ये दोनों डी पर मिलते हैं, यहां मिलते हैं, और ये कोण आपको दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, ये कोण 50 डिग्री दिया है और ये कोण पूछ रहा है, तो आप जान ही रहे हैं कि इस कोण का डबल ये होता है, तो 50 का डबल कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 100 डिग्री। इतना ही आसान था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ये पता रहे, ये प्रॉपर्टीज और ये थ्योरम पता रहे तो आप तो इसको ओरली कर लेंगे, आपको कोई यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी त्रिभुज पर बात करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हो जाए को ये क्वेश्चन नंबर दो है, देखिए दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य समद्विभाजकों के बीच बना कोण 60 डिग्री है, तदनुसार उस त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा बाह्य समद्विभाजकों। अब यहां पर देखिए ये सिचुएशन है, ये त्रिभुज एबीसी है, अब इसमें जो बाह्य समद्विभाजक हैं यानी ये ओ है, तो कोण बी का ये बाह्य समद्विभाजक ओबी हो गया और ये कोण सी का ओसी हो गया, तो ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। अब किससे पूछ रहा है, कोण ए की वैल्यू पूछ रहा है कि तीसरा कोण क्या होगा, यानी कोण ए क्या होगा, तो कोण ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हैं कि बाह्य समद्विभाजकों यानी कोण बी ओ सी बराबर क्या होता है 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई टू। अब ये दिया हुआ है बी ओ सी 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई टू, अब ए बाई टू को इस साइड लाइए और 60 डिग्री को इस साइड करिए, तो a बाई टू कोण a बाई टू, ये माइनस है तो इस साइड आएगा और ये 90 माइनस 60 निकल जाएगा तो ये 30 डिग्री बचेगा, तो कोण a बराबर हो गया 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो कोण a जो है 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर c सही। आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, बस आप इस चीज को समझते हैं तो आपके लिए ये सेकेंडों का काम है। आइए
हम लोग अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच जो कोण बनता है उसकी बात करते हैं।